और मेरे पौध प्रेमियों, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है आपके इस चैनल एबी लव्स गार्डनिंग में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ के बारे में और एक बहुत ही क्रिएटिव और बहुत ही मज़ेदार चीज़ के बारे में। हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे आप घर के वेस्ट से ग्रो बैग तैयार कर सकते हैं। आप कोविड का समय चल रहा है, सब हाथ धोते होंगे, सबके पास जो है ये हैंड वॉश का ज़रूर पैकेट होगा। ये देखिए 750 ml का पैकेट है ये, और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप बहुत ही सिंपल तरीके से इससे ग्रो बैग तैयार कर सकते हैं और घर के वेस्ट का बहुत ही सही उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। तो फ्रेंड ये देखिए, ये हमारा ग्रो बैग, इसको मैं बनाने जा रहा हूँ। अब इसको क्या करूँगा, मैं ऊपर से अपनी इच्छा अनुसार कितना बड़ा मुझे ग्रो बैग चाहिए उस हिसाब से मैं इसको काट लूँगा। तो ये देखिए, एक सीजर्स ले लीजिए और इसको यहाँ से काट दीजिए। अब इसके बाद जो है हम इसमें जो है सॉइल फिल करेंगे, और उससे पहले ड्रेनेज होल जरूर बना लेंगे। तो ड्रेनेज होल क्रिएट करने के लिए कील कोई भी ले लीजिए और उसमें एक दो ऐसे ऐसे छेद कर दीजिए कील से, ठीक है। इससे क्या होगा, पानी निकल जाएगा, पानी रुकेगा नहीं। तो मैं इसमें छेद कर दे रहा हूँ, ये कील है मेरे पास। अब देखिए ड्रेनेज होल तैयार हो गया है, अब इसको खोल लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए ग्रो बैग तैयार हो गया है। अब इसमें जो है हम सॉइल फिल कर देंगे, नॉर्मल गार्डन सॉइल में इसमें भर रहा हूँ। ग्रो बैग जो है तैयार हो चुका है, अब इसमें हम कोई भी पेड़ की कटिंग लगा सकते हैं। तो आज हमारे कैमरामैन हमारे साथ है, तो आज हम उनसे जरूर पूछेंगे किस चीज़ की कटिंग लगाई जाए। तो बताइए किस चीज़ की कटिंग लगाई जाए, इसमें तो सबकी कटिंग लग सकती है। येलो वाले फ्लावर की लगाइए कटिंग। अच्छा, तो ठीक है, आज हम जो है ये मैंने आपको कहा था कि पोर्टुलाका का मैं प्रोपोगेशन आपको बताऊंगा कैसे करना है। इसमें अगर आप एक बार पेड़ ले आए हैं तो आपको बार बार खरीदने की ज़रूरत नहीं है। इसकी एक स्टेम कटिंग आप ले लीजिए, उसी से लग जाएगी। तो मैं अभी इसकी जो है कटिंग एक ले लेता हूँ। ये देखिए मैंने कटिंग ले ली है, और ये मैं इसमें प्लांट कर देता हूँ। इसमें नीचे की जो है लीव्स आप हटा दीजिए, नीचे की लीव्स हटा दिया। ये देखिए ये हमारी कटिंग है, अब इसको मैं इसमें प्लांट कर दे रहा हूँ। इसको 1 inch तक दबा दीजिए, और अब इसमें जो है हम पूरा वाटरिंग कर देंगे कटिंग लगने के बाद, अच्छे से वाटरिंग कर देंगे और पानी को जो है सेटल होने देंगे, पानी को ड्रेन आउट हो जाने देंगे और इसको कुछ देर रोक देंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये जो है ग्रो बैग तैयार हो चुका है। अब इसमें पानी ड्रेन आउट हो जाएगा और इसमें आप देखिए कोई भी प्लांट की कटिंग, कुछ भी फ्लावर वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब मैंने जैसे ये अभी आपको बताया, तो उसके साथ साथ मैंने और भी चीज़ों पर देखी, कोई भी आपके वहाँ पुराना सामान पड़ा रहता है। जैसे ये देखिए, ये मैंने इसमें विंका लगा रखा, ये फेविकॉल का डब्बा था 100 ग्राम का, इसको मैंने ऊपर से काट दिया। और इसमें देखिए मैंने फ्लावरिंग देखी कितनी बढ़िया हो रही है, और ये देखिए इसमें मैंने फ्लावरिंग इसमें लगाया। ये देखिए, ये हमारा एक टूटा मग्गा था, इसे मैंने ये देखिए प्लांट लगा दिया, ये भी आराम से कटिंग से लग जाता है और देखिए कितना बढ़िया चल रहा है। तो ये देखिए अब कुछ वेस्ट की चीज़ें, जैसे अभी ये देखिए, ये मैं कढ़ाई लेके आया था, ये कढ़ाई ऐसी ख़राब पड़ी थी घर पे, इसकी पॉलिश वगैरह सब उतर चुकी थी। तो इसमें मैंने देखिए ये शो प्लांट इसमें लगा दिया, ड्रेसिना लगा दिया, कितना अच्छा चल रहा है, और एक बहुत ही बढ़िया बोनसाई भी इसमें लग रहा है। तो ऐसे ही आप क्रिएटिव आइडिया लगा सकते हैं। ये देखिए मैंने वॉन्डरिंग ज्यू जो है इसमें, ये देखिए ओवन की जो स्टीम वाली ट्रे थी उसमें लगा दिया है, कोई काम नहीं था उसका, ख़राब पड़ी हुई थी। तो फ्रेंड्स आप भी जो है अपने घर पे जो वेस्ट पड़ा हुआ है उसका बहुत ही अच्छा उपयोग कर सकते हैं। गार्डनिंग जब मैंने शुरू कर दी, बहुत ही ये सब ऐसी चीज़ें शुरू करी थी, किसी में भी किसी चीज़ को भी पॉट बना लेता था और उसमें जो है गार्डनिंग शुरू कर देता था। तो कोई भी शौक हो तो आप पहले ऐसे शुरू करिए, और इसमें देखिए कितना क्रिएटिव और कितना अच्छा है। तो अगर आपको मेरे आइडियाज़ पसंद आए हों व्यूअर्स, तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करिए, साथ ही साथ हमारे चैनल एबी लव्स गार्डनिंग के साथ जुड़िए। धन्यवाद दोस्तों।